जिले के प्रधानों में प्रदेश व केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रोश है। महाराजगंज जिलाधिकारी प्रधानों को मौखिक अपमानित कर रहे हैं। 14वें वित्त व राज्य वित्त के खातों का संचालन बंद कर दिया गया है, जिससे विकास के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। जिलाधिकारी के व्यवहार से नाराज प्रधान 9 तारीख को एक सम्मेलन करके ज्ञापन सौंपेंगे। जिला प्रभारी अजय दर्दुबे ने कहा कि प्रधानों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। सरकार ने किसी भी राजनीतिक दल ने आज तक प्रधानों को सम्मान देने का काम नहीं किया। अगर प्रधानों का जन्मजात कोई दुश्मन है तो ये सांसद और विधायक है, जिन्हें हम विधायक और सांसद बनाने का काम करते हैं। विधायक हमारे दरवाजे पर गाड़ियां भेजने का काम करते हैं प्रधान साथियों के, और हम गांव के तमाम लोगों को उसमें बैठा के उनका प्रचार करने का काम करते हैं। गांव गांव घूम के हाथ जोड़कर पैर छूके उनके लिए वोट मांगने का काम करते हैं। जनपद महाराजगंज के ब्लॉकों में प्रदेश प्रवक्ता सुनील लाठर बैठकें कर रहे हैं और प्रधानों की समस्याओं को निस्तारित कराने का पूरा प्रयास भी कर रहे हैं। बैठकों में प्रदेश उपाध्यक्ष नागेंद्र मल जी, प्रदेश सचिव लल्लू सिंह जी, जिला अध्यक्ष विद्या सागर यादव, जिला प्रभारी अजय धर दुबे, जिला उपाध्यक्ष नंदलाल यादव, कैलाश प्रजापति, नन्हे सिंह, गोपाल सिंह, गणेश पांडे, राजू दुबे, महेंद्र नाथ, लालमन यादव, अमरनाथ त्रिपाठी, गौतम ने पूरा सहयोग किया। ब्लॉक परतावल, पनियावरा, धानी, परेंदा आदि ब्लॉकों में बैठकें आयोजित हो चुकी हैं। अब 9 तारीख को महासम्मेलन के जरिए प्रधान अपनी ताकत का एहसास केंद्र व राज्य की सरकारों के साथ साथ स्थानीय प्रशासन को भी कराने का काम करेंगे।